दुनिया के 120 देश कोरोना वायरस की चपेट में हैं। इससे अब तक 1,19,000 से ज्यादा व्यक्ति संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 4,300 लोग मारे जा चुके हैं। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री और कंजर्वेटिव सांसद नाइजिन डोरिस कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। वे देश के पहले ऐसे सांसद हैं जिनमें संक्रमण की पुष्टि हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि उन्हें घर में ही निगरानी में रखा गया है। उनकी बारीकी से जांच की जा रही है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस से अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 382 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। स्वास्थ्य अधिकारी उन लोगों को ट्रेस कर रहे हैं जो स्वास्थ्य मंत्री के संपर्क में आए थे। अमेरिका ने कोरोना वायरस की वजह से मंगलवार को ईरान से सभी अमेरिकी कैदियों को रिहा करने की मांग की। ईरान की जेलों में कोरोना वायरस फैलता जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि अगर ईरान में किसी अमेरिकी की मौत होती है तो इसके लिए वहां की सरकार दोषी होगी। संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि बिगड़ते हालातों के बीच ईरान ने 70,000 कैदियों की रिहाई में काफी देर कर दी है। तेहरान प्रकोप से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ स्थिति बेहद खराब हो गई है। ईरान में मंगलवार को 24 लोगों की मौत हो गई है। यहाँ अब तक 291 लोग मारे भी जा चुके हैं, जबकि 8,042 संक्रमित हुए हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस को लेकर किन देशों की क्या क्या स्थिति है। सबसे पहले बात करते हैं भारत की। भारत में संक्रमित की संख्या 62 हो गई है। बुधवार को जयपुर में 85 साल के एक व्यक्ति में संक्रमण का मामला सामने आया। वह 28 फरवरी को दुबई से लौटा था। जयपुर में अब तक 18 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसके बाद सबसे ज्यादा 14 लोग केरल में हैं। उधर सरकार ने वायरस के खतरे को देखते हुए फ्रांस, जर्मनी और स्पेन के नागरिकों के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही इन तीनों देशों से आने वाले उन नागरिकों के नियमित और ई वीजा पर भी रोक लगा दी गई है जिन्होंने देश में प्रवेश नहीं किया गया है। अब बात करते हैं चीन की। चीन में मंगलवार को 22 लोगों की मौतें दर्ज की गई है, जबकि 31 नए मामले सामने आए हैं। यहां अब तक 3158 लोगों की मौत हो गई है। वहीं संक्रमण का 80,785 मामले सामने आए हैं। देश के सबसे ज्यादा प्रभावित हुबेई प्रांत में 3,046 लोगों की मौत हो चुकी है। अधिकारियों ने कहा कि बीजिंग आने वाले सभी विदेशी नागरिकों को 2 सप्ताह के लिए निगरानी में रखा जाएगा। चीन नए कोरोना वायरस के मामलों को सीमित करने में कोशिश में जुटी हुई है। वहीं मिर्स के अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि नील नदी के किनारे खड़े क्रूज एसारा पर जिन 25 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई थी उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। स्वास्थ्य मंत्री हाला जायद ने इसकी जानकारी दी। सोमवार रात उन्होंने कहा था कि यहां संक्रमण के 49 मामले सामने आए हैं। इस क्रूज पर तमिलनाडु के 17 नागरिक फंसे हुए हैं। वहीं चीन के बाद कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा प्रभावित देश इटली है, जहां मंगलवार को 168 लोगों की मौत हो गई। यहां एक दिन में मरने वालों का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। सरकार ने पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया है। देश के करीब 6 करोड़ लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है, मतलब कि अलग थलग कर दिया गया है। यहां अब तक 631 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 10,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। वहीं तुर्की में भी मंगलवार को संक्रमण का पहला मामला सामने आया है। संक्रमित व्यक्ति के पूरे परिवार को क्वारंटाइन कर दिया गया है। कनाडा की विमानन कंपनी एयर कनाडा ने बुधवार से इटली जाने वाली सभी उड़ानों को 1 मई तक रद्द कर दिया है। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि परिस्थितियों को देखते हुए आगे फैसला किया जाएगा। एयर कनाडा ने अंतिम रूप से मंगलवार को इटली के लिए उड़ान भरी। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा 24 मौतें वाशिंगटन में हुई हैं। वाशिंगटन के हेल्थ डिपार्टमेंट ने खुलासा किया है कि यहां 10 जनवरी को पहला मामला सामने आया था। इसके बाद 267 लोग पहले संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए थे। देश में अब तक संक्रमण के 900 मामलों की पुष्टि हुई है। अमेरिकी डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी सैंडर्स ने कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण क्लीवलैंड में आयोजित रैली को रद्द कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने मंगलवार को कहा कि कोरोना वायरस को फैलाने से रोकने के लिए न्यूयॉर्क स्थित यूएन मुख्यालय को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। जिनेवो में यूएन के मेन बिल्डिंग को भी 1 हफ्ते पहले बंद कर दिया गया था। यूएन के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अब तक न्यूयॉर्क में यूएन के किसी कर्मचारी में संक्रमण का मामला सामने नहीं आया है। यहां करीब 3,000 कर्मचारी काम करते हैं। आमतौर पर हर हफ्ते करीब 5,000 पर्यटक यहां घूमने आते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.